उसे तुमने अम्मी के साथ जैसे बिहेव किया है वो काफी हर्ट हुई है बात से। I'm sorry. लेकिन सच कितनी तकलीफ से क्यों ना हो, सच तो सच होता है ना। जैसे उस दिन तुमने अपना उधार वापस मांगी। देखो उस सब के लिए आई एम सॉरी, तुम जानती हो मेरा वो मतलब नहीं था, वो एक हीट ऑफ द मोमेंट मुझे गुस्सा आ गया था रानिया, आई एम सॉरी। लेकिन गुस्से में कहे गए लफ्ज सुनने वाले को खंजर की तरह लगते हैं। खैर बाद में मैंने गौर किया, मुझे लगा तुम ठीक कह रहे, ठीक कह रहे थे। देखो वो सब मेरी गुस्सी थी, मेरी हमाकत थी, गुस्सा तब भूल गया था, प्लीज भूल गई। बट डू वरी, मैं तुम्हारे तुम्हारा उधार तुम्हें जरूर वापस करूंगा, 4 माह ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तुम्हारा उधार वापस करूंगी मैं, तो 6 महीने के अंदर। थोड़े से पैसे क्या कमाना शुरू कर दिए, कुछ ज्यादा शौक नहीं होंगे तुम? तो मेरी मजबूरी में मुझे उधार दो और फिर अपना उधार वापस मांग लो, वो शो ऑफ नहीं होता? मैंने तुम्हें यहां सुलह करने के लिए और मैंने सिर्फ ये बताने के लिए कि 4 से 6 महीने के अंदर मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी मैक्स। एक्सक्यूज मी, तुम अगर बाइक पे नहीं आए तो मैं तुम्हें ऑफिस ड्रॉप कर देती हूँ। टैक्सी चलाते चलाते तुम इतनी दूर चली गई हो कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा। प्रॉब्लम ये नहीं है फराज, प्रॉब्लम ये है कि मैं अपने आप को पहचान गई। और जब औरत अपने आप को पहचान जाती है ना तो मर्द यही ताना देता है कि मैं तो तुम्हें पहचान भी नहीं पा रहा। बड़ा इंतजार करवाया तुमने मुझे, और इस सारे अरसे में ना मैंने सच्चे दिल से बड़े खलूस से तुम्हारा इंतजार किया। सिर्फ बस हो गई है यार, मैं इसके लिए सॉरी नहीं कहना चाहती, मेरा राइट है, बहुत देर से समझ आया मुझे। मुझे ना मेरी मर्जी की, मेरे सुकून की जिंदगी गुजार है। ये मंगनी की जंजीर मेरे गले में डाल के फिर से मुझे वापस उस इंतजार, उस तकलीफ से नहीं गुजार, इतना तो कर सकते ना मेरे लिए। मुमकिन हुआ तो फिर मिलेंगे, किसी इंतजार, किसी रिश्ते, किसी वादे के बगैर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा हुसैन। सब्सक्राइब टू द ARY डिजिटल यूट्यूब चैनल फॉर मोर एंटरटेनिंग कॉन्टेंट।